हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना चैनल आरजी कार रिव्यू। तो हमारे सामने खड़ी है इको का 7 सीटर मॉडल जो कि है नॉन एसी वाला। भाई इसमें नॉन एसी में जो है वो आपको 7 सीटर देखने को मिल जाती है। 5 सीटर में जब आप जाते हैं तब आपको एसी वाला वेरिएंट ही आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस टाइप से लुक प्रोवाइड कराती है, आपको सभी ने देखा होगा भाई, वैन टाइप में आती है। बट 7 सीटर जो है वो आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाती है। जब ये लॉन्च हुई थी भाई तो क्या धमाल मचाया था इसमें मारुति के, जितने सेल ऑफ वैल्यू बढ़ाई थी जिसने, मतलब वॉल्यूम जो है मारुति का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के दिया था। क्योंकि ये लोगों ने टैक्सी में बहुत ही ज़्यादा यूज की थी, फैमिली में तो लोग कम ही यूज करते हैं इसको, टैक्सी पर्पज से ज़्यादा यूज करते हैं। बट भाई 7 सीटर में आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब कोई भी गाड़ी है आओ, 7 सीटर आपको देखने को मिलती है। मारुति का इंजन है 1.2 लीटर इंजन आपको देखने को मिलता है, 79.65 BHP पावर के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है। मोटा मोटा 80 BHP आप मान सकते हैं इसको। देन उसकी अगर टॉर्क की बात की जाए तो आपको 104 Nm का आपको उसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है न्यूटन मीटर का। और फ्यूल टैंक जो है इसमें आपको वो 32 लीटर का देखने को मिल जाता है। बॉडी टाइप आपको पता है वैन टाइप इसमें आपको देखने को मिलती है। एक्सरूम जो है 5,56,000 रुपये कॉस्ट करती है। देन ऑन रोड जाते जाते अप्रोक्स 6,30,000 रुपये के अप्रोक्स जाती है लमसम। एक्चुअल तो आपको शोरूम पर जाएंगे तभी समझ में आ जाएगा कितना है। और फ्रंट लुक की बात की जाए तो कुछ इस टाइप से बॉडी कलर बम्पर आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, मैट ब्लैक कलर में आपको बम्पर देखने को मिलेगा। इसका जो लाइट्स रहेंगी वो आपको नॉर्मल हैलोजन, और इंडिकेटर जो है उसके साथ इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है जो कि फ्रंट ग्रिल में ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। एक हॉर्न आपको देखने को मिलेगा जिसकी प्लेसमेंट जो है आप यहीं से देख सकते हैं, और फॉग लैंप आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। आ जाते हैं भाई इसके साइड लुक की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। फेंडर पे इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है येलो कलर का। ऊपर ORBMs जो है इसके वो कुछ इस टाइप से आप मैनुअली देखने को मिलेंगे, जिसे आप हाथ से ही विंडो डाउन करके ओपन करने पड़ते हैं आपको। और अगर इसके साइज वगैरह की बात की जाए आपको तो कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 14 का साइज देखने को मिल जाता है इसमें, सॉरी 13 का आपको देखने को मिलेगा इसका रिम साइज। उसके साथ साथ अगर देखेंगे फ्यूल टैंक कैप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और डोर ओपन करते हैं, डोर नॉर्मल आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में है। पावर विंडो इसमें किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिलती, तो आप जॉयस्टिक दी हुई इससे आप विंडो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका इंजन भाई जो होता है वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है, इस वाली दोनों की सीट्स के नीचे आपको इंजन देखने को इसका मिलेगा। खास जो है उसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको डिजिटल ही देखने को मिल जाता है, मतलब फुल्ली डिजिटल आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको ब्लोअर्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। भाई एसी नहीं है, एसी होते थे यहाँ पे उसका सॉकेट यानी कि स्विच जो है वो दिया हुआ रहता। इसमें आपको ब्लोअर्स कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और हजार्ड लैंप देखने को मिल जाएंगी। एसी के बैंड जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाते हैं। जो स्टेयरिंग व्हील है वही आपको केटन वाला इसमें देखने को मिल जाता है। 3-spoke व्हील जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। देन स्पीकर के प्लेसमेंट आप यहाँ पे करा सकते हैं। IRBM जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डे एंड नाइट के साथ देखने को नहीं मिलेगा। रीडिंग लाइट जो है वो आपको इस टाइप से देखने को मिल जाती है, और जिसमें वैनिटी मिरर है वो देखने को नहीं मिलता। सिंपल आपको एयरबैग के जो गाइडलाइंस है वो देखने को मिलती हैं। और भाई इस गाड़ी में भी आपको 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड, दूसरा आपका को ड्राइवर साइड। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स जो है छोटा सा देखने को मिल जाता है जो कि सफिशिएंट स्पेस के साथ आपको आता है। म्यूजिक सिस्टम आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप चार्जर लगाइए, चार्ज करिए आराम से। छोटा सा स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है, गियर नॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन जो है यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। बात करते हैं तो स्पीड लिमिट जो है इसमें मैक्सिमम जो है 80 की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है जो कि मेंशन कियर कर रखी है। और बात करते हैं अगर रियर सीट्स की तो कुछ टाइप से आपको सेटअप देखने को मिलता है सीटिंग का। बीच में जो है 2 लोगों को बैठने की जगह है, जो पीछे है उसमें आपको 3 लोगों को बैठने की जगह है। मैं एक बार चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डोर अगर ओपन करेंगे तो कुछ टाइप से यहाँ पे है डोर नोब, तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग वाला डोर आपको देखने को मिलता है इस टाइप से, कुछ बंद कर सकते हैं आप कर सकते हैं इसको, और यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है फिक्स हेडरेस्ट के साथ में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको 2 2-सीटर देखने को मिलता है। जस्ट इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्पेस दिया हुआ है पीछे जाने के लिए, जो कि आपको 3 सीटर देखने को मिलता है। ऊपर आपको ग्रैब बार देखने को मिलती है जिससे पकड़ने वाले के लिए, और जो डोर लाइट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी रियर वाली सीट्स के लिए। तो कुछ इस टाइप से ये आपको रियर सीट देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अगर रियर प्रोफाइल की तो रियर प्रोफाइल जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको LED टेल लाइट्स का सेटअप कुछ ऐसा मिल जाएगा। बॉडी कलर बम्पर देखने को नहीं मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। बूट ओपन करेंगे तो आप यहां से बूट ओपन कर सकते हैं। यहां पे मारुति सुजुकी का लोगो और टूर वी की इसमें आपको जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। और यहां पे आपको कुछ इस टाइप से कंप्लीट होती है ये गाड़ी। टूर वी जो है इसमें ये मॉडल नाम है इसका, CNG 7 सीटर में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।